ठीक है, तो आज हम लोग बिहारी करने जा रहे हैं। नंदिनी बेटा, 1 से 100 तक लगातार, 100 तक दो ही हैं पूरे तैयार करने, 1 से 100 तक। इन 100 में से चुनिंदा होते हैं, वो भी मैं यही बता दूंगा इसी चैनल पर, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहारी, और अब टाइम यही रहेगा, अब टाइम यही रहेगा, 10:30 बजे ही रहेगा। तो अपना टाइम बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सुबह यार उठा जाता नहीं है, कितना भी कर लो वो सुबह उठा नहीं जाता, और जब नींद पूरी ना हो तो और भी समस्या होती है, जुकाम हो जाता है मुझे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत, 11:15 बजे, 11:15 बजे AM, यार 11:15 बजे, 11:11 बजे, अभी इसके तुरंत बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 6। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं एसके लाइव कोड के साथ, मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, प्लस या आइकोनिक, जहां भी आप आना चाहें वहां आ सकते हैं। बिहारी बच्चों, आज पहली बाधा, मतलब पहली व्याख्या रखी गई बिहारी। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। ठीक है ना, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे बिहारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है बिहारी के बारे में जानना। बिहारी रीति काल के कवि हैं। थोड़ा सा पहले बिहारी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बिहारी क्या है? बिहारी रीति काल के कवि हैं। क्या है बच्चों, बिहारी क्या है? तो बिहारी रीति काल के कवि हैं। बिहारी रीति काल, अरे रीति काल के कवि हैं, ठीक है ना, रीति काल के कवि हैं। क्या है? रीतिकाल के, अरे यार रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में कविता की तीन धाराएं प्रचलित थी, कविता की तीन धाराएं प्रचलित थी, कविता की रीतिकाल में तीन धाराएं प्रचलित थी, ठीक है ना। और यहां पर पहली धारा है रीतिबद्ध, दूसरी धारा है रीति सिद्ध, तीसरी धारा है रीति मुक्त, रीति मुक्त। तो पहले कुछ बातें, और चौथी है रीति इतर, तो यानी जो रीति से अलग होती है, लेकिन तीन ही मेन है। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 संडे को होगा बेटा। जो रह गया है तुलसीदास का कवितावली और सुंदरकांड रह गया है, वो आपका संडे होगा। रीति इतर, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो मेरे प्यारे बच्चों, रीति काल का मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं रीति काल यानी श्रृंगार का काल। किसका काल? श्रृंगार का काल, रीति का काल, रस का काल, ठीक है ना। तो रीतिबद्ध का मतलब होता है परंपरा में बंध करके लिखना। परंपरा कौन सी? संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा। क्या थी? संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा से, ठीक है ना, संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा से बंध के लिखना। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा से, ठीक है ना, संस्कृत काव्य शास्त्र परंपरा से बंध कर लिखना, परंपरा से बंध कर लिखना, याद रखिएगा, क्लियर है? दूसरी थी रीति सिद्ध, जिसमें संस्कृत काव्य शास्त्र यानी संस्कृत काव्य शास्त्र यानी जैसे बच्चों रस अलंकार, संस्कृत काव्य शास्त्र यानी जो संस्कृत में कविता होती थी, जो संस्कृत में कविता होती थी, उस संस्कृत की कविता,
में जो रस होता था, जो अलंकार होता था, उसका उस आधार पर कविता लिखना, उस आधार पर कविता लिखना, सिंपल सी ये बात है। और रीति सिद्ध क्या था? संस्कृत काव्य परंपरा के जानकार, यानी सिद्ध तो है जानकार, परंतु परंपरा से बंधकर ना लिखने वाले, यानी परंपरा से बंधकर ना लिखने वाले, परंपरा से बंधकर ना लिखने वाले, यानी संस्कृत काव्य शास्त्र के ये विद्वान थे, लेकिन उस परंपरा से बंधकर नहीं लिखते थे। बिहारी इसी में है, बिहारी इसी कैटेगरी के कवि हैं, और इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। इनकी रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। क्या रचना का नाम है? बिहारी सतसई। मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी सतसई को एक शब्द दिया जाता है, श्रृंगार, श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी, श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहा जाता है। जैसे संगम होता है ना, गंगा जमुना सरस्वती, तो वैसे ही इनकी बिहारी सतसई। क्या ये शब्द का अर्थ आप समझे? यानी बिहारी सतसई में श्रृंगार भी है, बिहारी सतसई में भक्ति भी है, आपको पता है, और बिहारी सतसई में नीति, यानी राज्य को नीति कैसे चलानी चाहिए वो भी है, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ये बिहारी सतसई की खूबी है, ठीक है ना? तो ये आप याद रखिएगा। जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में ये रहते थे, बस इतना ही आप लोगों को इनके बारे में जानने की आवश्यकता। कल बहुत से बच्चे आए होंगे कि चलो, हालांकि बहुत बच्चे आए नहीं, क्योंकि टाइमिंग की वजह से मुझे लग रहा है बच्चों को दिक्कत हुई होगी, और यूट्यूब के बच्चे आ नहीं पाए, सारे सारे बच्चे इसमें जो प्लस वाले हैं मैक्सिमम वही लोग आ पाए हैं, बाकी तो आ नहीं पाए। तो कल मैंने कहा था कि बिहारी के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, माने एकदम से मस्त कर देने वाली चीजें पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को भी लगा होगा कि अब कल पूरा शारीरिक वर्णन होने वाला है सौंदर्य का, तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना? तो पहले, सबसे पहले मेरी भाव बाधा रो, अब इसकी व्याख्या चूंकि हम लोग को करना है, इसकी हमें व्याख्या करनी है, तो आपको पता है भाव बाधा का मतलब क्या होता है बच्चों? भाव बाधा का मतलब होता है, आज फ्री हैंड क्लास लूंगा जिससे ज्यादा समझ में आए, सांसारिक विघ्न बाधा। अच्छा, एक चीज और बता दीजिएगा, अगर ये लगे कि ज्यादा मजा हैंड हैंड फ्री से आ रहा है, यानी इस प्रकार के लेक्चर से, तो बता दीजिएगा, कल से ऐसे ही लूंगा। मेरी भाव बाधा, भाव बाधा मतलब सांसारिक विघ्न बाधाएं। नागरी मतलब क्या होता है? नागरी मतलब होता है चतुर श्रेष्ठ, यानी कि चतुर या श्रेष्ठ, नगर में रहने वाले को चालाक माना जाता है। छाई मतलब, झाई मतलब छाया, झाई मतलब छाया, या इसका एक और भी अर्थ होता है छाया या ध्यान, छाया या ध्यान। श्यामू मतलब क्या है? कृष्ण। श्यामू का मतलब होता है कृष्ण भी, काला रंग भी, कुछ भी कह सकते हैं, काला रंग भी, कलंक भी, पाप भी, ठीक है ना? और हरित का मतलब होता है हरा रंग। क्या होता है? हरा रंग। तूने हम पे कैसा रंग डाला, ठीक है ना, मार डाला टाइप का। दुती, दुती का मतलब क्या होता है? शीघ्र, शीघ्र, या कांति भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कांति। तो एक बार आप लोग इस, ठीक है ना, एक बार इसको आप लोग पहले पढ़िएगा, एक बार आप पढ़िए इसको, फटाफट पढ़िए,
दुति मतलब शीघ्र, दुति मतलब कांति, कांति को प्रकाश हमेशा कह सकते हैं, प्रकाश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ये कोई भी पुस्तक जब लिखी जाती है तो एक मंगलाचरण होता है। क्या होता है बच्चों? कोई भी पुस्तक जब लिखी जाती है तो एक मंगलाचरण होता है। होता है कि नहीं होता है? कि मेरी किताब बिना किसी विघ्न बाधा के समाप्त हो, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? तो अब चलिए लिखिए संदर्भ, लिखिए संदर्भ, चलिए लिखिए व्याख्ये पंक्तियां, लिखिए व्याख्ये पंक्तियां, रीतिकालीन, रीतिसिद्ध काव्य धारा, के मूर्धन्य कवि कवि बिहारी की, कवि बिहारी की कवि बिहारी की श्रृंगार रस प्रधान रचना, श्रृंगार रस प्रधान रचना इन्वर्टेड कामा बिहारी सतसई से ली गई है। फुल स्टॉप हो गया। बिहारी सतसई को लिखिए, लिखिए उसी में, बिहारी सतसई को श्रृंगार भक्ति और नीति की, श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहा जाता है। को श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहा जाता है। त्रिवेणी अब लिखिए प्रसंग, प्रसंग इन पंक्तियों में कवि रचना की निर्विघ्न समाप्ति, के लिए मंगलाचरण इन्वर्टेड कॉमा मंगलाचरण की भारतीय परंपरा का अनुसरण किया गया है। कॉमा जिसमें कृष्ण को, जिसमें कृष्ण की तुलना में, जिसमें कृष्ण की तुलना में राधा को ज्यादा महत्व
और प्राथमिकता प्रदान की गई है। लिखिए व्याख्या। लिखिए बिहारी ने या बिहारी द्वारा रचित इस मंगलाचरण के दो रूप लिए जाते हैं, सॉरी दो व्याख्याएं ली जाती हैं। डैश लिखिए पहला मंगलाचरण हे श्रेष्ठ राधा, हे श्रेष्ठ राधा, मेरी सांसारिक बाधाएं दूर कर दीजिए। वह राधा जी की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं और कहते हैं, ये वही राधा हैं जिनकी छाया पड़ने मात्र से कृष्ण हरित या प्रसन्न हो उठते हैं। दूसरी लिखिएगा, ये तो हो गई मंगलाचरण। दूसरा लिखिए भक्ति परक।
हे राधे, हे राधे, मेरे समस्त दुखों को दूर कर। हे राधे, मेरे समस्त दुखों को दूर कर दो। फुल स्टॉप या कॉमा 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 लगाइए। जिस प्रकार आपके रूप का स्मरण होते ही, जिस प्रकार आपके रूप का स्मरण होते ही, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार आपके रूप का स्मरण होते ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, या प्रकाश पड़ने या प्रकाश मात्र पड़ने से कांति, कांति यानी प्रकाश, या कांति अथवा प्रकाश मात्र पढ़ने से भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, अथवा कांति मात्र पढ़ने से भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मेरे भी पाप को दूर कीजिए। हो गया बेटा, अब लिखिए विशेष। अब लिखिए विशेष, पहला पहला प्रस्तुत दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ। श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ, प्रस्तुत दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ। श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ। दूसरा, राधा की दया वीरता का वर्णन हुआ। राधा की दया वीरता का वर्णन हुआ। दया, दया वीरता यानी दया वीर भी होते हैं। तीसरा, बिहारी की भक्ति भावना का प्रदर्शन हुआ। बिहारी की भक्ति भावना का प्रदर्शन हुआ। चौथा, मंगलाचरण या वंदना। मंगलाचरण या वंदना प्राचीन भारतीय काव्य परंपरा का अंग रहा है। जो वर्तमान में भी लेखकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। वर्तमान लेखकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। पांचवा, इन पंक्तियों में बिहारी ने
कृष्ण को महत्व देते हुए राधा को ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर श्लेष अलंकार क्या होता है यार, इतना सब तो मैं उम्मीद करता हूं कम से कम इतना तो पढ़ के आओ यार, एकदम जैसे कहावत होती एकदम जैसे जड़ बुद्धि टाइप का आकर के अगर बैठ जाओगे यार 8वीं 10वीं में, मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं रहा यार, कि अलंकार खुद नहीं पढ़ सकते हो आप लोग, जैसे एकदम जड़ बुद्धि आ गए हो, जड़ बुद्धि समझते हो कि श्लेष अलंकार नहीं पता, यमक अलंकार नहीं पता। एक तो सारी क्लासेस में होते नहीं, क्या ये पीछे की क्लासेस में बताए नहीं गए? और अगर आप लोगों जैसे बच्चे जैसे क्लास चल रही हो आईएएस के, सर श्लेष अलंकार क्या होता है, इतना सब आपको पढ़ के आना चाहिए। यहां लिखा हुआ ना, जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हो, कितनी बार बताया गया है, तो जैसे नागरी में चतुर भी है श्रेष्ठ भी है, जैसे श्यामू मतलब कृष्ण भी है, काला रंग भी है, कलंक भी है, पाप भी है, द्युति का मतलब शीघ्र भी है, कांति भी है, प्रकाश भी है, ये है जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो। सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन क्लास आप लोग ध्यान, चूंकि तुम सब्सक्राइबर मतलब हो, तुम पुराने स्टूडेंट हो मेरे, इसलिए तुमको डांट पड़ना स्वाभाविक था। यानी छोटी छोटी बातें आप खुद कोशिश करो, जब एक चीज कोशिश करोगे, मान लो अभी तुम लोग क्या करो, श्लेष अलंकार यूट्यूब पे गूगल पे खोलो, तो श्लेष में तुम्हें दो चार बातें और सीखने को मिलेंगी, अपने आप को इम्प्रूव करो बेटा, नहीं जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ, चलिए मिलते हैं 11:15।